हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कोल्लम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फ्लेक्स बोर्ड के लिए नियॉन लाइट का इफेक्ट किस तरह से बनाते हैं कोरल ड्रॉ में। तो आइए देखते हैं। मैंने 8x3 का साइज लिया है, फिर शिफ्ट F2 दबाया, ओके। फिर हम जाएंगे गूगल पे, वहाँ के ब्रिक्स वॉलपेपर डालेंगे। ये देखो दोस्तों, बहुत सारे हैं, तो मैं इसे चूज करता हूँ और फिर इसे मैं व्यू करता हूँ और इसे मैं कॉपी करूँगा दोस्तों, और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इस तरह से मैं इसे पावर क्लिप करूँगा। ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप है, वहाँ से पावर क्लिप करूँगा दोस्तों। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे के बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, इस तरह से मैं यहाँ पे डालता हूँ नेऑन आइसक्रीम PNG। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे न्यू करके कंट्रोल V करता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस तरह से करने के बाद मैं इसे छोटा करता हूँ और फिर इरेजर से मैं इसे इरेज करूंगा। ये देखो दोस्तों, ब्रैकेट से ये इरेजर छोटा मोटा होता है, लेफ्ट राइट ब्रैकेट्स इंटर के ऊपर जो रहते हैं। ये देखो दोस्तों, इस तरह से मैंने इसे सेव किया। मैं इसे इंपोर्ट करूंगा। ये देखो, इसे इंपोर्ट किया है। इसे शिफ्ट दबा के मैं चारों तरफ से खोलता हूँ और इसे मैंने पावर क्लिप किया। देखो, ध्यान से देखो, वीडियो पे बने रहें, वीडियो आगे बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। ये देखो दोस्तों, नियॉन में, नियॉन के लाइट इफेक्ट में नाम कैसे बनाने का, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं आपको और भी बहुत सारे ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। ये देखो दोस्तों, अभी मैं इसे फॉन्ट चेंज करूंगा ऊपर वाले का। ये देखो दोस्तों, इस तरह से। तो मैंने व्हाइट पे राइट क्लिक किया और नन पे लेफ्ट क्लिक किया, यानी कि फिल नन हो गया। और आउटलाइन अभी येलो पे मैंने क्लिक किया राइट की, माउस का राइट की प्रेस करोगे कलर पे तो आउटलाइन आएगा, और लेफ्ट की प्रेस करोगे तो फिल हो जाएगा कलर। तो ये देखो, मैं इसे ग्लो देता हूँ। ये इफेक्ट देने का ट्रिक ये है दोस्तों, इसमें बीच का जो आउटलाइन का कलर है वो लाइट लेने का, और साइड का जो कलर है वो डार्क लेने का दोस्तों, उसी शेड में, तो वो बराबर दिख जाता है इस तरह से। ये देखो दोस्तों, अभी इसमें नहीं दिखेगा, इसमें मैं लाइट डालूंगा। ये देखो, तो ये दिख गया। इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि लाइट लगने के बाद ये आगे कैसे दिखेगा और पीछे का कैसे दिखेगा। तो इमेजिन करके आप कलर डाल सकते हैं। ये देखो दोस्तों, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें मैं पिंक, लाइट पिंक डाला। ये देखो, अभी बराबर दिख रहा है। तो इस तरह से हम करेंगे दोस्तों, हम जितना मैच करने की कोशिश करेंगे उतना ही वो अच्छा दिखेगा दोस्तों। ये बात आप कभी भी ध्यान में रखना। ये देखो दोस्त, इस तरह से, ज़्यादा भी वाइट नहीं करने गए क्योंकि उसका पिंक हमने शाडो दिखाया है तो पिंकिश ही लाइट लगेगा। ये देखो दोस्तों, इस तरह से। अभी मैं इसको लाइट करूंगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ से मैंने उस कलर को शेड थोड़ा सा लाइट किया ताकि वो रियल लगे। ये देखो इस तरह से। तो अभी
थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। ये देखो दोस्तों, बहुत सारे आइसक्रीम के नियॉन के इफेक्ट है दोस्तों, ये हम बना भी सकते हैं दोस्तों ब्लैक क्लिप आर्ट लेके। ये देखो दोस्तों, पहले मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, फिर मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको किस तरह से क्लिप आर्ट को आप नियॉन में बदल सकते हैं, नियॉन लाइट इफेक्ट में। ये मैं आपको अगले इफेक्ट में अगले वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों, मैंने बना के रखे हैं बहुत सारे, आपको वापस बना के दिखाऊंगा दोस्तों, कोई बात नहीं। कस्टमर के लिए बनाया था मैंने, तो मैं आपको भी दिखा दूंगा। ये देखो दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इरेजर से ये बैकग्राउंड इरेज किया है। और इसको मैं कैसे मैच करता हूँ देखो, अभी इसके नीचे बैकग्राउंड है, ये देखो इसके नीचे बैकग्राउंड है ना दोस्तों, तो इसको मैं कैसे इरेज करता हूँ दिखाता हूँ। सॉरी, ये देखो, ये इफ लाइट इफेक्ट डाला है मैंने, देखो तो उसका पीछे का बैकग्राउंड लगभग चला ही गया है, डायरेक्ट ब्रिक्स दिखने लगी। तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों, नियॉन का लाइट इफेक्ट डिजाइन करना बहुत आसान है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, मैंने पैच लिया, उसको कन्वर्ट किया, फिर उसको ब्लर करता हूँ, ये देखो इस तरह से। फिर मैं इसे पावर क्लिप के अंदर डालता हूँ, ये देखो पावर क्लिप करके, ये देखो दोस्तों, मैं वर्क फेस चेंज करता हूँ क्योंकि आईकॉन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने वर्क फेस चेंज किया। ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया अभी, तो अब ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप है दोस्तों, ये देखो आ गया, पावर क्लिप हो गया इस तरह से। अल्टर डब्ल्यू पे भी मैंने सेट किया है पावर क्लिप, अगर आपको जानना है किस तरह से पावर क्लिप करते हैं तो आप मेरा ऊपर आई बटन में वीडियो है वो जाके देख लो, उसमें मैंने सब बताया है किस तरह से पावर क्लिप करने का, किस तरह से पावर क्लिप का शॉर्टकट करने का, तीन चार प्रकार मैंने बताए हैं, आप जाके देख लो वीडियो, छोटा वीडियो है लेकिन आपके काम का है। ये देखो दोस्तों, तो इस तरह से अच्छे डिजाइन मैंने बनाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों।